Assalamualaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear viewers and students, मैं लेकर आया हूं क्लास 9 का 1.5 द नेकलेस इसका पार्ट 2, जो पेज नंबर 28, 29 और 30 पर अवेलेबल है. फर्स्ट पार्ट में हमने पेज नंबर 24, 25 और 26 का जो है तो एक्सप्लेनेशन देखा है. अब पार्ट 2 के अंदर हम जो है पेज नंबर 28, 29 और 30 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर जाकर जो है पार्ट 1 देख सकते हैं. आइए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले फिर दोबारा वही आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. पेज नंबर 28 यहां से स्टार्ट होता है. दे लुक इन फोर्स से लेकर फाउंड नथिंग तक. अब डायमंड नेकलेस गुम हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले अपने ड्रेस के चादर में उसके फोल्ड्स में उसको तलाश किया, फिर अपने पॉकेट में, फिर हर जगह, लेकिन उन्होंने नहीं पाया. मतलब जब उनको पता चला कि हार गुम हो चुका है तो सबसे पहले उन्होंने अपने ड्रेस में देखा, अपनी चादर में देखा, अपने पॉकेट्स में देखे और जहां जहां वो तलाश कर सकते थे उन्होंने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे नहीं पाया. शोर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हॉल से निकलने से पहले तक वो तुम्हारे गले में था? तो उसने कहा, हां, मैंने मिनिस्ट्री हॉल में उसे अपने हाथों से टच किया था, लेकिन अगर वो सड़क पर गिरता तो हमें उसके गिरने की आवाज आती. वो टैक्सी में ही होना चाहिए. तो वो कहती है, हां ये हो सकता है, क्या तुमने इसका नंबर लिया था? वो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और आखिरकार वाइजल ने जो है दोबारा से अपने कपड़े पहने और कहा, मैं वापस जा रहा हूं. उन तमाम रास्ते जहां जहां से हम पैदल चले हैं मैं देखता हूं कि वो मुझे मिल सकता क्या. वो चला गया और मैथिल्डा सारी रात अपने बॉल ड्रेस के अंदर, मतलब जो पार्टी का ड्रेस था, उसके अंदर ही बेचैनी की हालत में रही. और उसका हस्बैंड सुबह 7 बजे वापस आया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था. फिर हम देखेंगे ही वॉन्ट्स टू पुलिस से लेकर ही डिक्टेट तक का एक्सप्लेनेशन. वो पुलिस के पास गया, न्यूज़पेपर में उसने इनामात रखे, टैक्सी कंपनी से उन्हें राब्ता कायम किया. वो हर जगह गया जहां भी उसको उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई. और मैथिल्डा सारा दिन इस खौफनाक आफत की मायूसी में इंतजार करती रही. मतलब उसका शोर हर जगह, जहां जहां उसको उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आती वहां वहां तक पहुंचकर उसने उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. और इधर मैथिल्डा अपने घर के अंदर बेचैनी की हालत में पूरा दिन इंतजार करती रही. लॉयजल शाम में वापस आया. वो परेशान और अधमरा सा हो चुका था, बहुत थक चुका था, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला था. तुम्हें अपने दोस्त को लिखना चाहिए कि उसके हार का जो हुक होता है, जो क्लिप होता है, वो टूट गया है और मैं तुम्हें जो है तो उसे रिपेयर करके वापस दूंगी, ताकि इस तरह से हमें कुछ और वक्त मिल जाए. तो मैथिल्डा ने बिल्कुल उसी तरह से लिखा जैसे उसके शोहर ने डिक्टेट किया, जैसे उसके शोहर ने उसे कहा. अब देखेंगे एट द एंड ऑफ वीक से लेकर 36,000 तक. एक हफ्ता खत्म होने पर उनकी तमाम उम्मीदें अब खत्म होने लगी. और आइजल जो कि अचानक बूढ़ा नजर आने लगा था, मतलब परेशानी की हालत से ऐसा नजर आने लगा था जैसे बूढ़ा हो गया हो, उसने कहा कि अब हमें इसके बदले दूसरा हार लौटाने के बारे में भी गौर करना चाहिए. इसलिए वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर तक इसी तरह का बिल्कुल हार देखने के लिए गए. अब उन्होंने सोचा कि एक हफ्ता तो हो गया, हमने हर जगह उसको तलाश करा लेकिन हमें नहीं मिला, अब हमें वैसा सेम हार लौटा देना चाहिए. इसके लिए वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर्स की दुकान पर उस तरह का हार देखने के लिए गए. दोनों भी बीमार और गम और तकलीफ में थे. फिर उन्हें जो है पेल्स रॉयल की दुकान में बिल्कुल उसी तरह का एक डायमंड का हार नजर आया जिसकी उन्हें तलाश थी. वो तकरीबन 40,000 फ्रेंस का था और वो उसे 36,000 पर ले सकते थे. मतलब उन्होंने हर जगह तलाश किया, आखिरकार उन्हें एक दुकान जो है जो पेल्स रॉयल में थी वहां पर एक ज्वेलर की दुकान पर बिल्कुल वैसा ही हार नजर आया. वो 40,000 फ्रेंस उसकी कीमत थी, लेकिन उन्हें 36,000 फ्रेंस पर वो मिल सकता था. यहां से पेज नंबर 29 स्टार्ट होता है.
इसलिए सोदे बैग से लेकर 36,000 फ्रेंच तक, इसलिए उन्होंने ज्वेलर से गिड़गिड़ाकर गुजारिश की कि वो इसे 3 दिन तक ना बेचे और वो इंतजाम में लग गए कि इसे 34,000 फ्रेंच में वापस ला सके अगर फरवरी के आखिर तक दूसरा नेकलेस इन्हें मिलता तो। मतलब वो ये कोशिश है किस तरह से जो है तो उसे हार को खरीदना है, और कोशिश ये थी कि कम से कम 34,000 तक वो उनको दे दे। रॉयजर के पास 18,000 फ्रेंच थे जिसे उसके फादर उसके लिए छोड़कर गए थे, बाकी वो उधार ले सकता था। इसने उधार लिया, इसके लिए उसने बहुत ही जो है खतरनाक तबाहकुन जो है तो एग्रीमेंट को साइन किया, कर्जदारों का सामना किया, तब जाकर वो नया नेकलेस लेने गया और इसने ज्वेलर के काउंटर पर 36,000 फ्रेंच रख दिए। मतलब उसने अब हिसाब लगाने लगा कि उसके पास कितना पैसा है, जब उसने देखा कि उसके वालिद ने उसके लिए 18,000 छोड़ा था, बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए उसे कर्ज लेना था, एग्रीमेंट किए और जो है तो किसी भी तरह से उसने 36,000 फ्रेंच का इंतजाम करके उस ज्वेलर के दुकान पर जाकर काउंटर पर पैसे रख दिए। वेन मैडम कॉइजल से लेकर अंडर द रूफ तक, जब मैडम कॉइजल ने मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस किया तो उन्होंने ठंडे से कहा कि तुमने इसे जल्दी वापस कर दिया, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं थी। फिर तब से मैडम लॉयजेल ने इंतहाई गरीबी की हॉरिबल लाइफ को जाना कि एकदम गरीबी वाली जिंदगी क्या होती है, इसके बारे में मिसेज जो है तो मैडम लॉयजेल को पता चला। वो जो है पूरी हिम्मत के साथ इस गरीबी का सामना कर रही थी, वो खौफनाक कर्ज चुकाना जरूरी था, वो इसे चुका सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है सबसे पहले अपनी नौकरानी को काम से निकाल दिया, उन्होंने अपना घर बदल दिया और एक छोटा सा छोटी छत वाला घर किराए पर ले लिया। अब उन्हें किसी भी तरह से अपना कर्ज चुकाना था, इसके लिए उन्होंने जो अपनी तमाम जो भी आरइसें उनको थी उसको सबको खत्म कर दिया। फिर हम देखेंगे शी कम टू नो से लेकर गेट मोर टाइम तक। अब इसने घर के मुश्किल काम को जाना कि घर के मुश्किल काम कैसे होते, क्योंकि अभी तक उसके पास नौकरानी थी तो तमाम काम करती थी, मजदूरों जैसा गंदे जो है तो किचन को साफ करना, उसने गंदे बर्तन धोए, रोजाना सुबह सड़क के किनारे ले जाकर जो है तो कचरा फेंका, पानी लाई और एक आम इंसानों की तरह कपड़े पहनने लगी और आम जिंदगी वो गुजारने लगी। वो बाजारों में मोल तोल करने लगी, नाप तोल पर झगड़ने लगी और बेइज्जतियों का भी सामना करने लगी। मतलब जब वो इंतहाई गरीबी की जिंदगी गुजारने लगी तो उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन तमाम मुसीबतों के बारे में उसने जाना कि गरीबी क्या होती है, काम क्या, घर के काम क्या होते हैं और बाजारों में जो है तो किस तरह से थोड़े थोड़े पैसों के लिए बार्गेनिंग करना होती है, लड़ाई झगड़े करना होता है और बहुत सारे इंसल्ट को बर्दाश्त करना होता है। हर महीने वो कुछ कर्ज अदा करते और कुछ नया ले लेते ताकि उनको और वक्त मिल जाए। फिर हम देखेंगे हर हस्बैंड वर्क से लेकर टोरेन और सेफ तक। अब इसका हस्बैंड एक्स्ट्रा वर्क करने लगा, मतलब पार्ट टाइम जॉब करने लगा। वो हर शाम एक कारोबारी के हिसाब किताब को देखता था और रात में लेट हो जाया करता था। वो एक 500 पेज का नुस्खा कॉपी कर रहा था और इसी तरह 10 साल तक उसकी जिंदगी गुजरी और 10 साल के बाद उन्होंने जो है तो अपना सारा कर्ज यहां तक के उसका इंटरेस्ट भी अदा कर दिया। और मैडम लॉयजेल अब बूढ़ी नजर आने लगी थी, 10 साल गुजर गए तो अब वो थोड़ी बहुत बूढ़ी नजर आने लगी थी। वो अपने गुजरे हुए पास्ट को माजी को सोचकर बहुत रंजीदा होती थी। क्या हो सकता, वो ये सोचती क्या हो सकता था अगर मेरे से वो हार गुम नहीं होता। फिर वो सोचती कि किसी को भी बर्बाद होने के लिए या बचाने के लिए कितने कम वक्त की जरूरत होती है। मतलब उसका एहसास हुआ कि जरा से एक लम्हे की गलती की वजह से हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हम किस तरह से बर्बाद हो गए। तो एक छोटी से एक लम्हे की गलती जो है तो इंसान को किस तरह से बर्बाद कर सकती है, इस तरह से वो अपने माजी के बारे में सोचा करती थी। अब यहां पर पेज नंबर 30 शुरू होता है। ऑन संडे से लेकर यू हैव चेंज तक। एक संडे वो चैंप एलिसिस से गुजर रही थी, इसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा, वो अभी तक जवान खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही थी। अचानक एक दिन वो एक मार्केट गई तो वहां पर उसको अपनी वो दोस्त नजर आई। मैडम लॉयजेल जज्बाती हो गई, इसने सोचा कि इसे इससे बात करनी चाहिए। हाँ ऑफकोर्स करनी चाहिए, क्योंकि अब इसने तो उसको सब कुछ अदा कर दिया, मतलब उस पर तो कोई कर्ज नहीं है, उसने तो लौटा दिया है जो उसका जो कुछ हार था उसको लौटा दिया है, उसका जो कर्ज था उसको भी लौटा दिया, उससे बात करनी चाहिए, इससे सब कुछ बता सकते हैं क्यों नहीं। यानी उसने सोचा कि अब तो मैं इसको सब कुछ बता सकती हूं।
वो इसके पास गई और कहा गुड मॉर्निंग जेन। वो उधर जब मैडम फॉरेस्टियर ने एक अनजान आम औरत को इतनी फैमिलियरली के साथ, इतनी वाकफियत के साथ बात करते हुए देखकर हैरान हो गई, तो इसने उसे पहचाना नहीं। उसने अकलाते हुए कहा, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती हूं, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मतलब 10 साल के बाद जो है तो मेथड बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जब वो अपने दोस्त के पास गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने उसको पहचाना नहीं, और वो उसने अपने पन से जब बात की तो उसने कहा कि हो सकता है शायद आपसे गलती हो गई है। उसने कहा नहीं मैं मैडम लॉयजेल हूं। उसने कहा कि नहीं मैं मैथिल्डा लॉयजेल हूं। उसकी दोस्त जोर से चीखी, ओह मेरी गरीब मैथिल्डा तुम कितनी बदल चुकी हो। यस आई हैड सेलेक्टर आई एम ग्लैड था। हाँ तब से मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और आखिरकार तुमको देखा। मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आई है, मुसीबतें आई है, और ये सब तुम्हारी वजह से आई है। ये मैथिल्डा ने फॉरेस्टियर से कहा। तो उसने पूछा मेरी ये कैसे हो सकता है। तो वो कहती है क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे मिनिस्ट्री की पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था। उसने कहा हाँ अच्छी तरह से याद है। तो उसने कहा वेल मैंने इसे खो दिया था, यानी वो मुझसे गुम हो गया था। क्या मतलब, क्या तुम्हारा मतलब, उसने जब ये कहा कि मैंने उसे खो दिया तो हैरान हो गई कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुमने तो उसे मुझे लौटा दिया था। मैंने तुम्हें बिल्कुल उसी तरह का दूसरा हार वापस किया था और इसकी कीमत अदा करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। वो हमारे लिए आसान नहीं था, आखिरकार वो सब खत्म हो गया और अब मैं बहुत खुश हूं। मतलब उसने कहा कि किस तरह से वो हार उसे खो गया था तो उसने बिल्कुल वैसा ही सेम हार उसको नया खरीद कर दिया था और उसकी कीमत अदा करने को उन्हें 10 साल लग गए और आखिरकार वो सब खत्म हो गया और अब मैं खुश हूं। अब देखेंगे हम मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टन से लेकर फ्रेंड्स एट मस्ट तक, यानी आखिर तक। तो मैडम फॉरेस्टियर दंग रह गई, जैसे उसने कहा तो स्टन एकदम साख्त हो गई। उसने कहा तुमने कहा तुमने डायमंड नेकलेस खरीद कर मुझे वापस किया। तब उस फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस खरीद कर दिया था। हाँ तब तुमने देखा नहीं था, नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था। मतलब जब मैंने तुम्हें वापस किया तो शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सेम टू सेम वैसा था। और वो मैडम फॉरेस्टियर फकर से, मासूमियत से और मुस्कुराते हुए जो है खुशी से मुस्कुराई और उसने अपने दोस्त से कहा। मैडम फॉरेस्टियर इसकी तरफ बढ़ी और इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा ओह मेरी प्यारी मैथिल्डा, मेरा वाला इमिटेशन मतलब नकली था और वो तकरीबन 500 फ्रेंच का ही था। ये एक फ्रेंच स्टोरी है, या सुनकर आपको भी धक्का लगा होगा जो लास्ट सेंटेंस है कि वो सिर्फ 500 का था। अब इस लेसन से हमें दो सबक हासिल होते हैं। पहला कि एक झूठी शान और शौकत बताने के लिए हम दूसरों से कोई चीज उधार मांग लेते हैं तो उससे हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। दूसरा ये कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो ये जरूरी है कि हम सामने वाले से सारी हकीकत को उस वक्त बयान कर दें ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। हमें झूठी शान और शौकत के लिए पहले तो इस तरह का काम करना नहीं चाहिए, और अगर हमसे ऐसी गलती होती है तो हमें अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जिससे भी हमको बात करना हो तो पहले ही बात कर ले ताकि सारी जिंदगी हमको पछताना ना पड़े। अगर मैडम रॉयजेल, मैडम फॉरेस्टियर को पहले ही वो बात बता देती तो उसे पता चल जाता कि वो सिर्फ 500 का है और उसकी जिंदगी इस तरह से तबाह और बर्बाद नहीं होती। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, जितना दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर जब मिडिल क्लास की जिंदगी गुजार रही थी तो अच्छी जिंदगी थी, जब उसने वेरी पुअर लाइफ देखी, बहुत गरीबी वाली लाइफ देखी तो उसको पता चला कि ये कितनी तकलीफ वाली होती है, और इससे तो अच्छी मेरी वो मिडिल क्लास वाली जिंदगी थी जिसका मुझे पछतावा था। तो अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, जिस हाल में रखा है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यही इस स्टोरी का लेसन है, सबक है जो आपको दिया गया है। तो यहां पर हमारा पार्ट टू लेसन 1.5 पूरा कंप्लीट होता है और उसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर क्लास 9 का फर्स्ट यूनिट पूरा पूरा कंप्लीट है और बाकी तमाम पोएम्स भी अवेलेबल है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के लेसन इंशाल्लाह जो है 1x1 मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो
हासिल करना है तो जरूरी है सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।